इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरहम श्री पावन वर्षा योग समिति ग्रेटर कमला नगर आगरा। जय जिनेंद्र। दर्शकों, मैं शेफाली जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी आगरा के वाटरवर्क्स चौराहा स्थित अग्रवन ऑडिटोरियम में परम पूज्य श्रवणाचार्य श्री 108 विभव सागर जी महाराज की परम प्रभावक शिष्या परम पूज्य श्रमणी आरिका श्री सारस्वत वर्धिनी 105 अरहम श्री माताजी ससंग के पावन सानिध्य में 21 अगस्त 2022 को भक्तामर परिचर्चा समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आरिका श्री ने भक्तामर से जन स्वास्थ्य जीवन के गुण रहस्य को बताया। नागपुर से पधारी श्रीमती डॉक्टर मंजू जैन एवं श्री प्रदीप जैन ने भक्तामर हीलिंग के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने ऐसे रोगियों की भी चर्चा की जिन्हें भक्तामर हीलिंग से स्वस्थ व लंबी जिंदगी मिली। आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं इस मांगलिक कार्यक्रम की मनोरम झलकियां। आगरा के वाटर वर्क्स चौराहा स्थित अग्रवन ऑडिटोरियम में परम पूज्य श्रमणाचार्य श्री 108 विभव सागर जी महाराज की परम प्रभावक शिष्या परम पूज्य श्रमणी आरिका सारस्वत वर्धिनी 105 अरहम श्री माताजी ससंग के पावन सानिध्य में 21 अगस्त 2022 को भक्तामर परिचर्चा समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के चित्र का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। आरिका ससंग के समक्ष अतिथियों सहित सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव के साथ श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लिया। साथ ही ज्ञानोदय युवा क्लब कमला नगर महिला मंडल व क्षमा सागर मैत्री महिला मंडल छिपी टोला सहित समाज के प्रमुख लोगों ने भी माता जी को श्रीफल अर्पित किया। परम पूज्य सम्यक्त वर्धिनी श्रमणी आरिका रत्न 105 अरहम श्री माते ससंग अनर्पित प्राप्त अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं परम पूज्य सम्यक्त वर्धिनी श्रमणी आरिका रत्न 105 अरहम श्री माते ससंग अनर्पित प्राप्त निर्वपामीति स्वाहा। श्रीफल अर्पित करने के बाद प्रथम श्री राकेश जैन पर्दा वाले और डॉक्टर मंजू जैन जी, श्री प्रदीप जैन जी एवं श्रीमती उषा मार्सन्स सहित अन्य भक्तों ने भी पूज्य माता जी का पाद प्रक्षालन किया और शास्त्र भेंट कर मंगल आशीष ग्रहण किया। प्रक्षालन के पश्चात बालिकाओं ने भक्ति संगीत पर मंगल नृत्य करते हुए आरिका ससंग का गुणगान किया। सब जग को बतलाया रिद्धि सिद्धि मंत्रों के द्वारा सबका कष्ट नशाया जग कल्याणी तुम सद ज्ञानी करुणा सिंधु माँ ओ मरहम नमः ओ मरहम नमः।
माताजी सत्संग सहित उपस्थित समस्त श्रावकों ने भक्तामर का पाठ कर भक्तामर परिचर्चा का शुभारंभ किया। देरी भारी भुकिना सोच्यम दशा मुपि गैता चित्ति जीविता सहा त्वत पादी पंक चिरजो मृत्ति दीति दीहा मर्त्या भवन्ति मकेर गचि तुल्ली रूपा ओम रीम रहम नमो अखिणी महानिषाणम ज्रम ज्रम नमः। समारोह के मुख्य संयोजक श्री मनोज जैन जी के प्रश्न के उत्तर में श्री प्रदीप जैन जी ने बताया कि असीमित इच्छाओं से संतुष्ट ना होने पर जनमानस की अशांति को भक्तामर से दूर किया जा सकता है। प्रदीप जी, बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, तरह तरह की बातों को लेकर आते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ नजर आ रही है आपको? लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं? मन में शांति नहीं है। क्या बात है, ये तो साफ हमारा भी प्रश्न है। तो आपने क्वेश्चन कर दिया तो उत्तर भी बताइए, आप क्या बताते हैं उन लोगों को? इच्छाएं। इच्छाएं जी। इच्छाएं निरोधस तपः, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं। हाँ, हमें जो मिला है उसमें संतुष्ट नहीं है जी। हम सिर्फ दूसरों को देख रहे हैं जी, अपनी तरफ नहीं देख रहे कि हमें कितना मिला है जी। और इसी से परेशान है। हर घर में कैंसर नहीं है, हर घर में अपने जैन समाज समृद्ध समाज है, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी समाज में तो दिक्कत नहीं है जी। इसको आप भक्तामर थेरेपी में कैसे प्रयोग करते हैं? आनंद पैदा कर कर। आनंद ये कैसे हो सकता है? आनंद हम सबके अंदर है, उसको निकालते कैसे हैं? जब प्रभु की भक्ति करते हैं निस्वार्थ भाव से। तो क्या आनंद कोई और चीज में नहीं है, सिर्फ भक्तामर में ही? ऐसा क्या विशेष है? भक्ति में आनंद है, भक्तामर में नहीं। तो फिर हम यहाँ भक्तामर की परिचर्चा क्यों कर रहे हैं? भक्तामर ऐसा शब्द है कि जिसका शुरू भी अमर करता है और अंत भी अमर करता है। दूसरा ऐसा कोई स्तोत्र नहीं है। और जहां तक मैंने पढ़ा सुना और गुरु महाराजों के मुख से सुना कि पूरे संसार का भक्तामर एक अकेला ऐसा स्तोत्र है जिसमें रचयिता खुद गारंटी ले रहे हैं कि तम माने तुम अवस्थाम समुपैथी लक्ष्मी, कि मैं मान तुम गारंटी लेता हूं कि जो पढ़ेगा सुनेगा श्रवण करेगा वो अवश्य मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करेगा। क्या बात है, वाह। एक हमारे परिचित मित्र को, बहुत खास बहुत पारिवारिक मेंबर, 2008 में कैंसर डिटेक्ट कर दिया, मुंह का कैंसर। और डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं कि डॉक्टर ने बताया कि मुंह का कैंसर ऐसा कैंसर है जो बहुत तेजी से ग्रो करता है और चांस बहुत कम होते हैं। उन मित्र को मैक्स हॉस्पिटल साकेत में दिखाया, डॉक्टर चतुर्वेदी जो वहाँ के सीनियर हेड हैं, सर्जरी की डेट रख दी। वो मित्र इतने खास थे कि बिल्कुल परिवार से भी बढ़कर उन्होंने बोला मैं जीना चाहता हूँ, मुझे बचा लो। हमने जहाँ पढ़ा वहाँ सीखा, उन्होंने बताया कि श्रद्धान सबसे बड़ी चीज़ है, श्रद्धान। अगर आपका श्रद्धान है तो सब कुछ हो सकता है, नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरी लाइफ का ये पहला केस है कि जब हम ऊपर से बायोप्सी करी तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई, और हमने जब नीचे का पूरा पीस निकाला तो नेगेटिव रिपोर्ट आई। और तीन रिपोर्ट आज भी मेरे पास रखी हैं, तीनों रिपोर्ट रखी हैं, टाटा मेमोरियल मुंबई, अपोलो और गंगाराम की तीनों रिपोर्ट रखी हैं। चार रिपोर्ट हैं, एक में पॉजिटिव है और तीन में नेगेटिव है। श्रीमती मंजू जैन ने परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के प्रवचनों को अलग अलग भाषाओं में अनुवाद कर देश विदेश तक पहुँचाने का प्रण लिया। 72 में उन्होंने 16 कारण भावना पे प्रवचन दिए थे, वो मैंने इंग्लिश करे और फ्रेंच। और जब वो जाती थी आचार्य जी के पास तो आचार्य जी देखते ही नहीं थे, हर बार कहते किसी इंग्लिश जानने वाले को दिखाओ, ऐसे करके मतलब और कोई से वो तो कहे हाँ दिखाओ, क्या क्या देखे ही नहीं। हर बार घूमती रही, घूमते। जब मेरी बुक निकली, तरुण सागर महाराज जी ने दिल्ली में, जंगल वाले बाबा ने दिल्ली में रिलीज़ करी, और ज्ञानमती माता जी ने, फिर मैं उनके पास लेके गई, वो दे भी दी वहाँ 40 महाराज जी को,
तो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर एक दिन सुशीला पाटनी जी के साथ एक लड़की रहती थी अग्रवाल, वो बोली दीदी हम आपकी बुक लिए थे, तो आचार्य जी ने कहा कि वो बुक पढ़ना बहुत अच्छी है। तो 10 साल बाद आचार्य जी की यूनिवर्सिटी में जिसको भी भर्ती होना है तो 10 साल का अगर पेशेंस है तो भर्ती होगी। और क्षमा सागर महाराज जी जो यहाँ पे इतना, मुझे तो पता ही नहीं था कि क्षमा सागर महाराज जी इधर आए और मंदिर बनाए, मैं भी उनकी बहुत बड़ी भक्त, मैं उनके हर राखी पे जाती थी राखी बांधने, जब उनकी तबीयत भी खराब थी कितने बार वो हंसी मजाक में पीछे की जगह हाथ ऐसे दिखाते थे कि बांध, और उनके झरझर आंसू आते थे जब बोल नहीं सकते थे। इसके पश्चात डॉक्टर शांतनु चौधरी जी ने भक्तामर के बारे में सटीक जानकारी भक्तों को दी। मंजू जी को आप लोगों ने सुना है, एक्चुअली मैं 40 साल पहले जब टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में काम किया करता था तब मन कुछ अलग था, समय के साथ साथ आदमी बदलता है, आज 40 साल हो चुका है उसके बाद। बीच में जब नागपुर रहा तब जिनके नाम आपने सुने जिमी राणा जी, उनके साथ मैं फाउंडर पेट्रन होके एक स्नेहांचल पैलिएटिव केयर सेंटर बनाए, और ये शायद इंडिया में दूसरा या तीसरा ही होगा, तब आज करीब 20-25 साल हो चुका है उस स्नेहांचल का। उसका मेन मकसद ये था कि जो पेशेंट्स को हम ठीक नहीं कर सकते हैं, आप लोग शायद जान के बहुत दुखी होंगे, ऐसे पेशेंट्स भी होंगे जिनको घर वाले छोड़ के चले जाते थे, लेने के लिए भी नहीं आते थे, तो वैसे पेशेंट्स को हम स्नेहांचल में रखते थे, उनकी पेन किलर्स यूज़ करते थे, छोटे मोटे कोई कैंसर की ट्रीटमेंट और नहीं देते थे उस समय पे। मैं एक जब विजिटिंग प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, एक बार उधर गया था, तो उधर स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट ये चीज़ को बहुत अहमियत देते थे, जो हमारे देश में हजारों साल पहले रह था, बीच में चला गया था संपूर्ण रूप से, शायद हम धर्म से थोड़ा दूर चले गए थे, अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, हम जैसे इधर बैठे हैं हम सब माता जी के पैर के पास। डॉक्टर मंजू जैन जी ने भक्तामर डिवाइन श्राइन के 48 डोम की महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए 21 दिन की साधना के बारे में बताया। डॉक्टर मंजू जैन जी ने समारोह में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को ध्यान कराकर भक्तामर के गुण रहस्य से परिचय कराया। भक्तामर के 48 डोम है, जो भक्तामर का विलय है, पहले में 8, फिर 24, फिर 16 और फिर 24, तो ऐसे 48 डोम। ये एक रिसर्च लैब होगा जिसमें लोग आएंगे, बैठेंगे एक एक डोम में, वो करेंगे 21 दिन साधना और उनके हर कार्य पूर्ण हो जाएंगे। रिलैक्स, एकदम पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए, सब के समान, कभी डेड बॉडी नीचे डूबती नहीं है, वो ऊपर तैर के ऊपर आ जाती, क्यों वो इतनी हल्की रहती, वो पूरा स्ट्रेस निकाल के बॉडी को लूजन कर दीजिए, एकदम लूजन। लेफ्ट फुट एंड राइट फुट, आपको आपकी जो आत्मा है वो सिल्वर अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ी हुई है आपकी नाभि से, और आप अपने मदर के गर्भ में एक नवजात शिशु की तरह बिल्कुल स्ट्रेस फ्री पड़े हुए हैं। इसके बाद श्रीमती उषा जी ने भक्तामर हीलिंग से मिले अनुभव को साझा किया। जूम की क्लासेस लेती थी, सुनती थी भक्तामर के बारे में, और उससे पहले ये जो प्रदीप जी बैठे हुए हैं, इन्होंने भी जूम से ही भक्तामर स्टार्ट किया था, तो मैं शुरुआत में मैंने जब मेरे को बोलना भी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आता था तब मैंने आपकी क्लासेस से सीखा था, आपने रेकी और सब कुछ आप देते हैं। तो क्या हुआ कि जब मैं जूम में जुड़ी थी मंजू दीदी से, तो मैं भक्तामर के मतलब यहाँ ही से बैठ के हीलिंग देती थी कई लोगों को, तो सबसे पहले मेरे जब फर्स्ट वेव आई थी तो मेरे भाई को करुणा हो गया था और इतना सीवियर हो गया था कि मैं बता नहीं सकती, तो मैं तो उनको हीलिंग देती ही देती थी, लेकिन मैंने मंजू जी से रिक्वेस्ट करी और एक दिन मैंने देखा कि मंजू जी उनके
पलंग के पास खड़ी हो रही हैं और मेरे को कह रही है तुम चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो मैंने देखा कि वो दूसरे दिन से पता लगा उनकी रिपोर्ट सही थी। भक्तामर से हुए चमत्कार के बारे में सभी श्रद्धालुओं के सामने श्री मनोज जैन जी ने भी अपना अनुभव साझा किया। मेरे मित्रों ने, मेरे दोस्तों ने बहुत प्रार्थनाएं भी उस वक्त की थी, लेकिन आवाज थी कि आना आपका नाम ही नहीं ले रही थी। तब जैसा ये सब कुछ हुआ इंस्टेंस, और मुझे ध्यान है उस वक्त रात्रि का पहर था, मैंने मंजू जी को उससे पहले नहीं देखा था, लेकिन बहुत सुंदर आवाज मेरे कानों में जा रही थी और श्लोक रिद्धिमंत सिद्धिमंत इनको रटे हुए हैं, श्लोक रिद्धिमंत सिद्धिमंत श्लोक, और ये लगभग 48 मिनट तक प्रोसेस चला। वो समय मैं भूलता नहीं हूँ मंजू जी, वो आवाज़ आज भी याद है, मैं सुन रहा हूँ आपको, लेकिन वो कुछ और थी, कोई डिवाइन आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरे मुख से एक आवाज़ निकली, वो थी ओम। परम पूज्य श्रमणी आरिका सारस्वत वर्धनी 105 अरहम श्री माता जी ने श्रद्धालुओं को भक्तामर की महिमा और रहस्य को बताया। हमें समाधान करना है तो पहले हमें मन को स्वस्थ करना होगा। हम कहते हमारी बीमारी का समाधान हो जाए, मैं बीमार हूँ, मैं रोगी हूँ, क्योंकि मैंने पहले तो यह जाना है कि ये भक्तामर स्त्रोत है किसके लिए। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, मातृ की बात चल रही है, भक्तामर स्त्रोत है किसके लिए पूछा जाए तो लोग कहते हैं बीमार व्यक्ति के लिए। और जब आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी से पूछा, हे भगवान बताइए आप ये भक्तामर स्त्रोत है किसके लिए, तो आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कहते हैं मेरे लिए। यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति एक ही बात सोचने लग जाए, ये अनुष्ठान ये परिचर्चा सिर्फ मेरे लिए है, भक्तामर स्त्रोत सिर्फ मेरे लिए है। माताजी के प्रवचनों के उपरांत कमेटी पदाधिकारियों ने एक पुस्तक का विमोचन कर श्रीमती मंजू जैन जी, श्री प्रदीप जैन जी और डॉक्टर शांतनु चौधरी जी एवं समारोह में उपस्थित वरिष्ठ अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। के अंतिम पलों में श्री प्रदीप जी जैन दिल्ली एवं कार्यक्रम के मुख्य संयोजक श्री मनोज जी जैन ने भक्तामर पर अपने ओजस्वी विचार व्यक्त किए। भक्तामर तो अपने आप में अकल्पनीय अविश्वसनीय है, जो इससे काम होते हैं वो दुनिया में कोई शक्ति नहीं कर सकती, वो कोई ताकत नहीं कर सकती। जैसे माता जी ने कहा कि ये ज्योतिषों के लिए ज्योतिष शास्त्र है और चिकित्सकों के लिए चिकित्सा शास्त्र है, सब कुछ रहस्य भरा पड़ा है, ज्ञान विज्ञान चिकित्सा व्यापार वैभव धन समृद्धि जो कुछ है सब कुछ भक्तांबर में है। आज यहाँ पर भक्तांबर स्तोत्र पर परिचर्चा हुई। जैन दर्शन में भक्तांबर स्तोत्र की बहुत महिमा है और इसका प्रत्येक घर में जाप होता है, लेकिन आज इस पर रिसर्च हुई है, पीएचडी हुई है बाकायदा, और ये देखा गया है इसमें 48 श्लोक होते हैं, हर श्लोक अलग अलग दवा के रूप में काम करता है। तो आज डॉक्टर मंजू जैन नागपुर, प्रदीप जैन जी दिल्ली आदि पूरी टीम यहाँ पर आई थी, उन लोगों ने पीएचडी की है, सब्जेक्ट उनका रहा है भक्तामर, उन्होंने बताया किस तरह से लोगों पर प्रयोग करके उन्होंने ठीक किया। दर्शकों भी आप देख रहे थे भक्तामर परिचर्चा समारोह की प्रेरणादायी झलकियाँ। ये समारोह उत्तर प्रदेश राज्य के जिला आगरा स्थित वाटर वर्क्स चौराहा स्थित अग्रवन ऑडिटोरियम में परम पूज्य श्रमणी आरिका सारस्वत वर्धनी 105 अरहम श्री माताजी ससंग के पावन सानिध्य में सानंद संपन्न किया गया। तो दर्शकों आज के समारोह में बस इतना ही, अभी समय है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जनवाणी चैनल। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे अरहम श्री पावन वर्षा योग समिति ग्रेटर कमला नगर आगरा।